आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें। पहला दिया गया, लेड 2 क्लोराइड क्लोरीन के साथ क्रिया करके PbCl4 देता है। दूसरा दिया गया, लेड 4 क्लोराइड ऊष्मा के प्रति अत्यधिक अधिक अस्थायी है। तीसरा दिया गया, PbI4 मौजूद होता है पहले विकल्प में केवल सेकंड व थ्री सही ऑप्शन है। दूसरा विकल्प दिया गया है, इसके अंदर में हमें चुनना क्या है दोस्तों, इसके अंदर में हमें ये चुनना है कि हमारे जो गलत कथन कौन से होंगे, गलत कथन है ये हमें क्या करना है दोस्तों, चुनना है। तो पहला विकल्प दिया गया है केवल सेकंड व थर्ड, दूसरा विकल्प दिया गया है केवल थर्ड, तीसरा विकल्प दिया गया केवल फर्स्ट व थर्ड और चौथा विकल्प दिया गया केवल फर्स्ट व सेकंड। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं पहले विकल्प की, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड हमारा लेड 2 क्लोराइड PbCl2 होता है। जब ये क्लोरीन के साथ में जब हमारा क्रिया करेगा दोस्तों, PbCl2 जब हमारा क्लोरीन के साथ में क्रिया करेगा तो ये हमारा क्या होता है, ये PbCl4 नहीं देता। क्यों? कि PbCl4 अस्थायी होता है, जबकि PbCl4 जो होता है वो हमारा PbCl2 और Cl2 के अंदर में कन्वर्ट होता है। इसलिए दोस्तों ये वाला कथन हमारा क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। लेड 4 क्लोराइड ऊष्मा के प्रति अत्यधिक अस्थायी है, तो ये वाला कथन हमारा सही है दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि लेड 4 क्लोराइड के अंदर में लेड जो होता है वो 4+ की अवस्था के अंदर में होता है और ये 2+ के ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर में स्टेबल होता है। किसके कारण में? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण में। इसलिए दोस्तों ये वाला विकल्प जो है वो भी हमारा क्या है, दूसरा विकल्प जो दिया गया है वो भी हमारा क्या है दोस्तों, सही विकल्प जो है वो हमारा ये वाला कथन सत्य है। फिर PbI4 मौजूद होता है दोस्तों, ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि PbI4 कैसे मौजूद होगा जब हमारा Pb4+ की अवस्था में स्थायी नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा किस प्रकार से मौजूद हो सकता है। इसलिए हमारा पहला और तीसरा कथन जो दिया गया है वो हमारा क्या है, गलत है दोस्तों। जबकि पहला, दूसरा और चौथा विकल्प जो है वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर में जो सही कथन जो कि दूसरा है वो इंक्लूडेड है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए हम ये कहेंगे दोस्तों कि हमारा तीसरा विकल्प क्या है दोस्तों, सही विकल्प है। और Pb4+ के अंदर में अस्थायी क्यों होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण है। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉनों का बंधन में भाग लेने की प्रवृत्ति कम हो जाना। बंधन में भाग लेने की प्रवृत्ति कम क्यों हो जाती है? क्योंकि N-1d के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, हमारा कम होता है। इसलिए S के इलेक्ट्रॉनों के बल में आकर्षण बल उच्च होता है। इसलिए दोस्तों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।